झारखंड भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सदस्य दीपक प्रकाश ने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सेना की भूमि की जांच मामले में समन जारी कर बुलाए जाने पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि झारखंड की तबाही की कहानी खुद मुख्यमंत्री ने भ्रष्ट अधिकारियों और बिचौलियों के साथ मिलकर लिखी थी। आज जो कुछ हो रहा है उसके लिए राज्य के मुख्यमंत्री स्वयं जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले हमने ही सेना के जमीन की अवैध खरीद बिक्री में हुई मनी लॉन्ड्रिंग का मामला उजागर किया था। की जमीन को औने पौने दाम में हड़पने वाला कौन है? कौन है? कौन बताएगा? झारखंड मुक्ति मोर्चा का नेता, मुख्यमंत्री जी के साथ में रहने वाले लोग, और कैसे हड़पा गया मैं बताना चाहता हूं। सेना की जमीन, और ये जमीन कि जो रजिस्ट्री हुई है, रजिस्ट्री दोबारा की गई है पुराने रजिस्ट्री को खत्म करने के बाद। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। वो रजिस्ट्री अगर पहले किसी व्यक्ति की हुई थी, उस रजिस्ट्री को अवैध करने का पैरवी किसने किया? और तो और ये जमीन 100 करोड़ से ऊपर की जमीन है। आप इसी शहर में रहने वाले संभ्रांत नागरिक है, पत्रकार है, थोड़ा उस जमीन के बारे में आप थोड़ा चीजों को जानने का काम कीजिए। वह जमीन 100 करोड़ से ऊपर की है और मात्र 7 करोड़ में उसकी रजिस्ट्री की गई है, मात्र 7 करोड़ में। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है Complete Solution Institute. यहाँ है Smart Classroom, 1-to-1 Doubt Clearing Session, Ask the Expert, Video Solution और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। Foundation Classes from Class 6 onwards. For your bright future, visit Complete Solution Institute. एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च एंड इनोवेशन के कल्चर को बढ़ावा देती है। यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 700 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 30 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट ने 50 से अधिक किताबें पब्लिश की हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपने स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे Amazon, Accenture, JP Morgan, JPT, TCS, Wipro, ITC, Federal Bank, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गई है। यही वजह है कि आयुष कुमार को JPT कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निसार अख्तर को Amazon से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में 44.5 लाख का पैकेज मिला। वहीं सुमन गुप्ता को पैलो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेज से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है।